ऐसे भी कलर वगैरह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। यहाँ पर आ गए थे मेरे कपड़े टेलर से। खैर ये वाला सूट तो मैंने पहन भी लिया था क्योंकि शादी थी, शादी में मैंने कहा कि मैं पहन लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसी है। इसकी वीडियो मैंने शेयर की थी जो मैं सदर बाज़ार से मैं लेकर आई थी, तो ये शिफॉन का सूट था, टू पीस में मैंने लिया था। अच्छा, इसकी नेक जो थी बीच में बिल्कुल खाली थी, तो मैंने टेलर से कहा था कि इसके अंदर पाइपिंग कर लो। और ये बटन भी मैं खुद लेकर आई थी, फैंसी बटन। खैर मैं तो छह लेकर आई थी, मैं समझी कि काफ़ी लंबी नेक होगी, मगर यहाँ पर चार बटन लग गए थे जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी सिंपल सा सूट है कि क्योंकि इन सूटों पे कुछ डिज़ाइनिंग तो इतनी खास हो नहीं सकती, और इस पर क्योंकि सारी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बहुत प्यारा सा कलर है डार्क ब्लू पे, कुछ फिरोजी कलर की एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, बस यहाँ पर पाइपिंग कर ली थी टेलर ने, सिंपल सिल्क का कपड़ा लेकर उसकी पाइपिंग करवा दी थी। और मैंने जो कतान सिल्क है उसका टू पीस लिया था, ट्राउज़र और शमीज़ के, एक शमीज़ के लिए जो कि लगा लिया था, इसके साथ ही स्टिच करवा दिया था। तो ये है फुल लुक इस शर्ट की। अच्छा, इसके साथ फिर मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टे पर भी चारों साइडों पर खुद से ही काम हुआ हुआ था जैसे कि शर्ट पर है, और बस सिंपल दुपट्टे पे कोई पाइपिंग वगैरह भी आप लोग करवा सकते हैं, पीको वगैरह, मतलब पीको भी मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं। खैर मैंने तो टेलर को साथ में दे दिया था ताकि पाइपिंग भी ये करवा लें, और टेलर भी जो है तो पाइपिंग भी अच्छी कर लेता है, मतलब कपड़ा भी उसने खुद लेकर खुद ही उसने बनवा लिया था। तो इस तरह के सिंपल सूट भी अच्छे लगते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा चमक धमक वाले फैंसी सूट की नस्बत इस तरह के भी एक आप लोग के पास एक दो सूट हों तो पहने जाते हैं। बस ये सिंपल सा ट्राउज़र है और ये मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा पहना है, इंशाल्लाह आगे भी चलता जाएगा। गर्मियों में भी अगर आप लोग पहन सकते हैं, ईद तक या ईद के कुछ दिनों बाद तक पहना जाएगा, फिर आगे गर्मी ज़्यादा हो जाती है, फिर ये होती है कि ज़रा शमीज़ वाले कपड़े पहनने में ज़रा बंदे को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जी ये मेरा सूट था जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसके बाद दूसरा सूट भी बनकर आ गया था। इस दफ़ा टेलर ने कुछ कमाल ही कर दिया, तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर अंदर उसने मेरे सूट बनवा लिए थे क्योंकि उसके पास कुछ इतने ख़ास स्टिचिंग के लिए कपड़े नहीं थे। अच्छा जी, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी अनस्टिच में, जो कि मैंने और मेरी बहन ने दोनों ने एक साथ लिए थे। ये हम लोगों ने शर्ट और दुपट्टे लिए थे, जो मेरी फैंसी कपड़ों वाली जो वीडियो है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। इस शॉप का एड्रेस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जहाँ से हम लोगों ने ये सूट लिए थे। ये भी बहुत प्यारा सूट है, वैसे इसको डाई भी करवा सकते हैं मगर हम लोगों ने डाई नहीं करवाया। और इसमें ज़ाहिर है इसमें भी कोई डिज़ाइन तो होती नहीं है, तो बस मैंने क्या किया कि मैंने इस तरह के बटन ले लिए थे। ये बटन भी जब मैं भी नवाज़ा गई थी शॉपिंग के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो इसमें गोल्डन ज़्यादा है शर्ट में, तो गोल्डन बटन मैं लेकर आ गई थी। और तकरीबन ये 17 बटन है जो कि मैंने टेलर से कहा था कि सब के सब लगाने हैं। अक्सर मैं ले आती हूँ और टेलर एक दो बटन उससे गुम हो जाते हैं, वह भूल जाते हैं और कम ही लगाता है। और उसके साथ जी ये वाला कपड़ा भी मैं उसी शॉप से लेकर आई थी। तकरीबन मुझे लगता है कि 1000 रुपये का हम लोगों ने टू पीस लिया था शर्ट और ट्राउज़र के लिए, जो कि टेलर ने लगा लिया था, गोल्डन पाइपिंग करवा ली थी। और यहाँ पर आस्तीन है जिसमें बटन लगा लिए थे, और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत सूट है ये, देखने में सामने देखने में बहुत प्यारा है। और ये फ्रंट बैक से एक ही जैसे हैं, फुल उसके ऊपर इस तरह का काम हुआ है। वैसे इसको आप लोग डाई भी करवा सकते हैं किसी कलर में भी, मगर मुझे ज़्यादातर ऑफ वाइट कलर अच्छे लगते हैं। मेरे पास बाकी भी सूट हैं इस तरह के, मैं पहले भी बना चुकी हूँ, पहन भी चुकी हूँ, मगर बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, फिर ये साथ हम लोगों ने दुपट्टा ले लिया था, दुपट्टा भी इसी के साथ था। और ये दुपट्टा भी डाई होता है मगर हम लोगों ने डाई नहीं करवाया सूट। कभी कभी वाइट कलर के सूट भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और जी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ये दोनों सूट कैसे लगे। और फिलहाल मैंने ये दो बना लिए थे क्योंकि इसी महीने हम लोग की फैमिली में शादियां हैं, तो ये पहने जाएंगे। इसके बाद तो फिर गर्मियां ही गर्मियां होंगी, फिर तो शादी मादी कुछ भी नहीं होगी। और इंशाल्लाह ईद की फिर शॉपिंग होंगी, आप लोग साथ फिर भी ज़रूर शेयर करूँगी। जहाँ से भी मैं लोन के कपड़े लेती हूँ अपने लिए या अपने बेटियों के लिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी जाकर वहाँ से कपड़े ले लें। तो बस इसको मैं इसे लटका दूँगी क्योंकि ये वाला सूट मैंने नहीं पहना है, इसको भी मैंने आगे पहना है। अच्छा जी, हमारे बाज़ार जाने का कुछ इरादा था, मेरी बेटी ने कुछ ऑनलाइन जो है तो खुद से पसंद किए थे, तो मैंने उससे कहा कि ऑनलाइन भी खैर प्यारे होते हैं, प्यारे लग रहे थे, मगर उसको मैंने कहा कि ऐसे करते हैं कि सदर बाज़ार चलते हैं, वहाँ पर एक मैंने शॉप देखी हुई थी पहले, बहुत पहले, उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ थे। और वो सामने ही ये वाली शॉप है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस किस्म के गुस्से मिलते हैं। देखे
ये गोरा बाज़ार के अंदर शॉप है, छोटी सी शॉप है, मगर वैरायटी इनके पास बहुत ज़्यादा है और कीमतें भी बहुत ज़्यादा मुनासिब है। मतलब 900 से स्टार्ट है और फिर मुझे लगता है कि कुछ 2500 2600 के रेंज में है। ये रे, आएंगे आएंगे ये दिखाएं ये करेंगे। इंशाल्लाह ताला 14 तारीख तक आएंगे। क्या प्राइस है इसकी? ये लेदर में है, स्टिचिंग हुई हुई है सारी, 1400 रुपये। 10 इस तरह के कुछ प्रिंटेड उसने पसंद किए थे जो कि ऑनलाइन 2300 के मिल रहे थे और इनके पास भी थे। ये लोग कहते हैं कि हमारे पास और भी वैरायटी आएगी इन शूज़ में। वैसे ये चप्पल की जी, ये आपको 1300 रुपये मिलेगी, वो 900 रुपये के, वो भी स्टार वाले हैं। ये वाले हैं ना, इस तरह के हैं, 10 ही है ना, कतर दिए। चलिए इंशाल्लाह कितने दिनों बाद आएंगे ये मेरे पास? 14 तारीख तक आज। वैसे गर्मियों में भी खुद से पहने जाते हैं, मैं भी पहले बहुत पहनती थी जब हम लड़कियां होती थी। अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं पहने, मगर अच्छे लगते हैं गर्मियों में कपड़ों के साथ। ईद के लिए भी अगर आप लोगों ने यहां से लेने हैं तो इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा मुनासिब है। मैं आगे आप लोगों को कार्ड भी शो करवाती हूँ। आप लोग ऑनलाइन भी कोई वापस लेना चाहे तो दे देते हैं। अच्छा, ये सिंपल कितने की? ये वाले 800 रुपये। 800 रुपये ऊपर वाली सबकी कीमत आप बता देना, फिर कोई लेना चाहे। 1200 ऊपर जो है 800 रुपये। ये वाली हाँ जी, इससे ऊपर 900, फिर वो 900। मेरे पास ये इनका मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम का भी पेज है। ये लोग कहते हैं कि हम वहाँ पर भी देते हैं शूज़, तो यहाँ पर इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा। छोटी सी शॉप थी मगर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हर कलर में हर डिज़ाइन में आपको मिल जाएंगे। और आजकल 900 रुपये का क्या मिलता है कि 900 रुपये के आपको यहाँ से खुद से मिल जाते हैं। कलर हैं आपको, कार्ड दिखा रही हूँ, कोई लेना चाहे आपसे। इनकी क्या प्राइस है? ये 1100। ये शीट मिले तो ऑरेंज कम थे, ग्रीन ये दिखा दे सर। ये ऑरेंज ये नए आए? नहीं नहीं है, मेरे पास तो काफ़ी डिजाइनिंग आती रहती है। ये 3200 रुपये है, ये सारी इंस्टाग्राम के। और मैंने कार्ड शो करवा दिया है, आप कार्ड से जो है तो स्क्रीनशॉट लेकर उसको जूम करके देख लिया करें। उनका फ़ोन नंबर भी लिखा होता है, उनका एड्रेस भी लिखा होता है। ये गोरा बाज़ार ही में शॉप से, इस तरह की 2-3 शॉप से जहाँ पर इस तरह के खुशे मिल जाते हैं। उसके अलावा सैंडल्स वगैरह भी मिल जाते हैं जो कि कीमत में बहुत मुनासिब होते हैं। और एक दो दफ़ा मैं ले चुकी हूँ, यकीन करें कि पहनने में बहुत ईजी होते हैं और बिल्कुल टूटते फूटते नहीं हैं। तो बस ये खुशे मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि चलो इंशाल्लाह फिर आएंगे देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 14 डेट के बाद हम जाएंगे। और ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई है, इस वजह से मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 1200 रुपये के हैं ये, 1200 रुपये के हैं, इसमें मुख्तलिफ हैं, 1000 वाले भी। मौसम बेहतर है ना, अभी पता क्या चलेंगे, समोसे या कचौड़ियाँ, ये चीज़ें चलेंगी, चाय दूध, ये मतलब चाय का सारा सिस्टम होगा ना। बस हम लोगों ने वहाँ पर देख लिए थे खुद से, और अभी गोरा बाज़ार ही में हम हैं। यहाँ पर एक शॉप है जिसके पास सारे का सारा चाइना का सामान होता है, मतलब हेयर बैंड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, और हम अक्सर यहाँ आते हैं। अब तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कीमतें बढ़ा दी हैं, एक केजर जो है तो तकरीबन 450 रुपये और 400 रुपये के रेंज में है। और सुबह सुबह हम आए हैं तो इतना ख़ास रश भी नहीं है यहाँ पर, और बस यहाँ पर गर्मियों के कपड़े वगैरह भी आ चुके हैं। बस यहाँ पर कुछ नेल पेंट देख रही मेरी बेटियाँ, कुछ लिपस्टिक ले रही हैं क्योंकि बच्चियाँ इस तरह पहन लेती हैं। अच्छा, ये वाले आजकल बहुत ज़्यादा चले हुए हैं ट्रेंड में, क्योंकि बालों में लगाते हैं। कुछ बीट्स वगैरह दराज पर भी हैं, बाकी भी ऑनलाइन में मिलते हैं, इनके पास भी थे। मैं हाँ, 300 रुपये का ये फुल एक पैकेट दे रहे थे। बस सिंपल के वाले दा वाले तो यहाँ पर हम लोगों ने कर ली थी छोटी मोटी शॉपिंग, और अभी हम सीधा जा रहे हैं फुआरा चौक, जो कि आजकल फूड स्ट्रीट में चेंज हो गया है। वहाँ पर हर किस्म की खाने की चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बंदा सदर में शॉपिंग करके टूट फूट कर थक हार के भूख से जब बुरा हाल होने लगता है तो इधर ही आके रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बिरयानी से लेकर चपली कबाब, शामी कबाब, मतलब जो कुछ भी आप खाना चाहेंगे तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो हम आ गए थे सीधा इधर ही, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता। और मेरे बच्चों ने कहा था कि हमें ये लेना था, तो ये 70 रुपीज़ का एक दे रहे थे, और हमारे सामने ही उसको मसाले मसाले लगा के रखे हुए थे। और मुझे लगता है कि एक दफ़ा उन्होंने फ्राई कर भी लिए थे, उसके बाद दोबारा से फ्राई कर रहे थे।
चटनी मटनी भी अच्छा होगा ना।